ओनिका तानिया मराज यानी रैपर निक्की मिनाज अब म्यूजिक वर्ल्ड से रिटायरमेंट ले रही हैं। इस बात की घोषणा निक्की ने अपने ट्विटर हैंडल पर की है। अचानक रिटायरमेंट की घोषणा के बाद मिनाज के फैंस काफी हैरान हैं, क्योंकि इससे पहले निक्की ने कभी ऐसा हिंट भी नहीं दिया कि वो म्यूजिक से संन्यास ले रही है। मिनाज ने ट्विटर पर लिखा, मैंने रिटायर होने का फैसला कर लिया है और अब मुझे अपना परिवार बनाना है। मुझे पता है आप लोग अब खुश हैं। मेरे प्रशंसकों के लिए मुझे आखिरी सांस तक रैपर बनाए रखें। हालांकि निक्की ने मेगाट्रॉन की रिलीज के बाद अपने फैंस को अपने नए एल्बम को लेकर टीज भी किया था। निक्की ने क्वीन रेडियो शो के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि वो आने वाले दिनों में वो केनेथ से शादी करने वाली हैं। इतना ही नहीं, निक्की ने अपने ट्विटर हैंडल का नाम भी मिसेज पैटी कर लिया था। केनेथ और निक्की पिछले दिसंबर से रिलेशनशिप में हैं। निक्की को अब तक के करियर में कई अवार्ड मिल चुके हैं। साल 2011 से 2016 के बीच निक्की को 10 बार ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। उन्हें पहला ग्रैमी अवार्ड 2012 में माय चट बैग के लिए मिला था। मिनाज ने अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स में फेवरेट रैप हिप हॉप आर्टिस्ट, 3 बार एमटीवी वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स फॉर बेस्ट हिप हॉप वीडियो और 1 बार बेस्ट फीमेल वीडियो अवार्ड स्टारशिप्स के लिए जीता था। आपको बता दें कि मिनाज का जन्म त्रिनिदाद और टोबैगो के सेंट जेम्स में हुआ था। महज 5 साल की उम्र में निक्की न्यूयॉर्क शहर के क्विंस बोरो में रहने आ गई थी। निक्की का पहला एल्बम पिंक फ्राइडे नवंबर 2010 में रिलीज हुआ था।